सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज का इतिहास, 9 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। शिक्षक भर्ती रीट लेवल 2 के 500 अभ्यर्थियों को 8 महीने से नियुक्ति का इंतजार। शिक्षा विभाग अति डिग्री धारकों को कोर्ट के निर्णय के अधीन नियुक्ति का आदेश 10 दिन में लिया वापस। प्रोविजनल सूची में रखा है 500 उम्मीदवारों को। जयपुर भास्कर, हमारी डिग्री सही यूजीसी से भी मान्यता मिली हुई है। रीट शिक्षक भर्ती मामला, बीएड के बाद की बीएससी, हाई कोर्ट ने शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिए आदेश। रीट शिक्षक भर्ती 2017 मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की बड़ी घोषणा, कई भर्तियों की आवेदन लिस्ट जारी की। पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा में 209 पदों के लिए लगभग 62,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये सीईटी बेस एग्जाम है। इन 62,000 में से रिक्तियां के 15 गुना के हिसाब से लगभग 3500 आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। परीक्षा 13 जुलाई। छात्रावास अधीक्षक 1,45,000 आवेदन 112 पदों के लिए। स्टेनो के 474 पदों के लिए लगभग 1,67,000 आवेदन। लिपिक ग्रेड 2 4,197 पदों के लिए 3,00,000 आवेदन। शिक्षा विभाग में जरूरत है 1,00,000 नए शिक्षकों की भर्ती की। रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड 76 स्वर्ग पदों में कुल 1,43,166 पद खाली। शिक्षा विभाग 1,00,000 से ज़्यादा पद खाली बांट जो रहे हैं बेरोजगार। राजस्थान पत्रिका स्पेशल न्यूज़, किसके कितने पद खाली। फर्स्ट ग्रेड के 21,000 से ज़्यादा पद खाली, सेकेंड ग्रेड के 33,104 और रीट के लिए थर्ड ग्रेड के 29,000 पद खाली। तो इस तरह करीब करीब 85,000 पद थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के खाली। नहीं रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की उम्मीद आचार संहिता के बाद। सीनियर पीटीआई परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला दूसरा अभ्यर्थी भी गिरफ्तार। शिक्षा और रोजगार, सीटेट के आवेदन विवरण में ऑनलाइन सुधार 12 तक। सांख्यिक अधिकारी भर्ती की विचारित सूची में 172 अभ्यर्थी आरपीएससी। रेलवे भर्ती आखिरी दिन सर्वर डाउन, हजारों अभ्यर्थी नहीं कर पाए आवेदन। स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा, परीक्षा सिर पर लेकिन ई कंटेंट का अता पता नहीं। एसओजी ने मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्राचार्य को गिरफ्तार किया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्जी डिग्री मामला। स्कूली बच्चों को आज 2 घंटे पहले मुक्त करने के निर्देश, जिला कलेक्टर ने जारी की एडवाइजरी। उदयपुर, विश्वविद्यालय लो को छोड़कर सभी विषयों में अगले सत्र से एनईपी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 13 से प्रवेश पत्र जारी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर की क्विज परीक्षाएं शुरू, नहीं मिल रहे परीक्षाओं के लिए इनविजिलेटर। जोधपुर, आरटी पोर्टल पर कई विद्यालयों ने नहीं भरी सही सूचनाएं, अब आरटी प्रवेश में अभिभावकों को हो रही है दिक्कतें। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम मौका कल तक, लाखों विद्यार्थियों को राहत। नीट यूजी की आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू। पदों को भरने पर विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों को भी मिले राहत। कोटा के 1000 सरकारी स्कूलों में बंपर 2000 पद खाली। रीट थर्ड ग्रेड के करीब 689 पद खाली, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 दोनों के पद खाली है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के 564 पद खाली। आरपीएससी की परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों का मामला, राकेश ने डमी अभ्यर्थी को 4,50,000
दी एडवांस कैलाश ने कुछ नहीं दिया। आरपीएससी की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा 2022 मामला। मेवाड़ विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल बीकानेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। डीएलएड कॉलेजों में खाली सीटों पर प्रवेश की तृतीय सूची घोषित। सीएचओ भर्ती परीक्षा की आंसर की प्राप्ति आज से। अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 3 स्वर के 152 पदों के लिए परीक्षा हुई। आयोग ने केवल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों का ही परिणाम जारी किया। आरपीएससी। जयपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 41 पदों का परिणाम जारी। कोटा। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जोधपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। नई शिक्षा नीति। लोकसभा चुनाव कारण एसएससी जेएन समेत 3 परीक्षाओं की तिथि बदली। अजमेर। अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपियां व रिकॉर्ड जब्त कर साथ ले गए। बांसवाड़ा। प्रदेश में परीक्षा से होगा प्रतिभाओं का चयन। 7 साल तक मिलेगी छात्रवृत्ति। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में 56,000 प्लस विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एमए हिंदी की फर्जी डिग्री बांटी थी। एसओजी ने मेवाड़ विश्वविद्यालय के डीन को गिरफ्तार किया। प्राध्यापक हिंदी भर्ती में फर्जी मार्कशीट पर 2 का हुआ चयन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। पीटीआई भर्ती परीक्षा। दोनों आरोपियों ने दलाल को 4.5 लाख रुपए देना कबूला। राकेश से दलाल ने डमी कैंडिडेट्स के लिए मांगे थे 15 लाख रुपए। आरपीएससी की भर्ती। कॉमर्स में कम इंटरेस्ट। राज्य में 4% विद्यार्थी इस स्ट्रीम में करते हैं 12वीं पास। इनके पास अकाउंट के क्षेत्र में अनेक विकल्प। पेपर लीक के आरोपी 12 तक रिमांड पर। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामला। सांख्यिक अधिकारी भर्ती 2023 विचारित सूची में 172 अभ्यर्थी शामिल। काउंसलिंग के जरिए होगा दस्तावेज सत्यापन। 21 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर। आखिरी दिन सर्वर डाउन। हजारों अभ्यर्थी नहीं कर पाए आवेदन। तकनीशियन के 9,144 पदों पर भर्ती आवेदन की तिथि बीती। रेलवे भर्ती बोर्ड। अजमेर।